गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हमने जो कल चैप्टर स्टार्ट किया था लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, उसमें यहाँ तक हो गया था टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग चल रहा था। आप देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइम बुकिंग और टाइम यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड। आप देखिए, टाइम कीपिंग क्या है, जस्ट टाइम को रिकॉर्ड करना, है ना, जिसके बारे में आपको बताया था, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें टाइम रिकॉर्ड किया, या टोकन कि गेट पे टोकन हैंग कर दिए, है ना, जो एम्प्लॉई आया, मतलब कंपनी के अंदर आने का टाइम और बाहर जाने का टाइम। और टाइम बुकिंग क्या है कि कितना टाइम उसने काम किया, उस टाइम को रिकॉर्ड करना, है ना। तो टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग अलग अलग हो सकता है कि कंपनी के अंदर तो आप 8 घंटे रहे, लेकिन काम आपने किया कितना, 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, डिपेंड करता है। तो वट इज़ टाइम बुकिंग, द डे आवर्स ऑफ ए वर्कमैन आर रिक्वायर्ड टू बी बुक्ड, मतलब उनको बुक कराना पड़ता है टू द जॉब जहाँ उसने काम किया, और प्रोडक्ट वेयर ही स्पेंट, जहाँ उसने टाइम स्पेंड किया वहाँ पर उसको अपना टाइम बुक कराना पड़ता है कि इतना टाइम उसने काम किया। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर कॉस्टिंग पर्पस, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो है वो पेमेंट होगी। अब वो कंपनी के अंदर एंट्री तो कर गया, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में गया ही नहीं, प्रोडक्शन के लिए गया ही नहीं, तो इट डजेंट मीन कि उसको सैलरी मिल जाएगी या वेजेस मिल जाएगी। अगर वो अपनी जॉब पर जाएगा, सुपरवाइज़र या सुपरिटेंडेंट जो भी है उसके पास जाकर अपना टाइम रिकॉर्ड कराएगा तो ही उसकी पेमेंट होगी। इसी को कहा जाता है टाइम बुकिंग, है ना। आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब ये कॉस्टिंग पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम बुकिंग क्यों की जाती है, इसका मेन रीज़न देखिए। फर्स्ट वन, टू एसर्टेन आइडियल टाइम, कि अगर टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में डिफरेंस है तो वो बीच का टाइम क्या है, आइडियल टाइम। एंड टू कम्प्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालने के लिए कि कितने टाइम की उसको वेजेस देनी है, है ना, तो जितने घंटे उसने लगाए उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो अमाउंट दिया जाएगा, है ना। और एक्चुअल आवर्स कितने स्पेंड करे उसने कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, है ना, वो देखा जाएगा। टू कैलकुलेट वेजेस, वेजेस निकालने के लिए, वर्कर्स की एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए, है ना, कि वो कितना घंटे कंपनी के अंदर रहते हैं और कितना काम करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम बुकिंग की जाए। आप देखिए, इसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, डेली बेसिस पर भी हो सकता है, वीकली बेसिस पर भी हो सकता है, और मंथली बेसिस पर भी हो सकता है। तो हर वर्कर का डेली बेसिस पर डेली टाइम शीट बनाई जाती है, जिसमें कि उसने जितना टाइम स्पेंड किया हर जॉब के अंदर वो वहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो देखो, जैसे ये एक डायग्राम, एक चार्ट बना हुआ है कि वर्कर का नाम आ जाता है, उसका टिकट नंबर, मशीन नंबर या डिपार्टमेंट नंबर वो आ जाता है, वर्क ऑर्डर नंबर, वर्क डन, कितना उसने काम किया, कब स्टार्ट किया, कब फिनिश किया, कितने घंटे काम किया, है ना। तो इसके बारे में इस तरीके से वो अपना जो है वो एक डेली टाइम शीट बना के रख लेता है। आप देखो, इसके एडवांटेज क्या है कि एक वर्कर के ऊपर मोरल चेक रहता है कि उसको देखा जा रहा है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो सिंसियरली काम को करता है। और एक वेरिफिकेशन हो जाता है करेक्ट टाइमिंग की, कि उसने कितना टाइम स्टार्ट, मतलब काम के ऊपर लगाया, कब स्टार्ट किया और कब फिनिश किया, और प्रॉपर उसके ऊपर सुपरवाइज़र या जो फोरमैन होते हैं उसके सिग्नेचर हो जाते हैं। तो वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो भी जज हो जाती है कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, है ना। आप देखो, उसके अंदर कमियां क्या हैं, इट रिक्वायर्स वॉल्यूमिनियस यूज़ ऑफ पेपर, कि पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, है ना, पेपर वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और ये ओनली वहाँ यूज़फुल है जहाँ पर जो वर्कर हैं वो एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट होते रहते हैं। अगर आपने डेली वहीं आना है, वहीं उतने ही घंटे बैठना है और काम करना है, तो फिर ये वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। तो ये था हमारा डेली टाइम शीट। ऐसे ही वीकली टाइम शीट भी बनती है, जिसमें टाइम के साथ साथ डेज लिखे जाते हैं, कि डेली का अलग बनाने की बजाय मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूरा वीक का जो है वो डिटेल यहाँ पर लिखी जाती है, और फिर आने और जाने का टाइम लिखा जाता है। तो इसके एडवांटेज ये है कि ये क्लरिकल वर्क कम हो जाता है इससे, है ना, और इस शीट को एग्जामिन करके फोरमैन को आइडिया हो जाता है कि उसने पूरे वीक में वर्कर ने कितना काम किया। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर्पज़ के लिए भी ये यूज़फुल है, है ना। लेकिन इसके अंदर भी कमी है, वो क्या है कि टाइमिंग में नॉट बी एक्यूरेट, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। कई बार एक ही सिटिंग में जो पर्सन है वो 2 या 3 दिन के टाइमिंग फिल कर देता है, है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है वो सही है। और ये वहाँ भी सूटेबल नहीं है जहाँ पर जो जॉब है वो बहुत सारी हों, मतलब एक ही पर्सन को बहुत सारे काम करने हैं, कई डिपार्टमेंट में जाना है, तो वहाँ पर ये सूटेबल नहीं है। तो ये था हमारा वीकली टाइम शीट। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है जॉब कार्ड, कि कई बार जॉब कार्ड बना दिए जाते हैं, जिसको हम जॉब टिकट या जॉब टाइम रिकॉर्ड भी कहा जाता है, वो पर्सन जहाँ भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है वहाँ पर उसे फिल करवा लेता है, है ना। तो ये उन पर्सन्स के लिए है जो एक ही टाइम पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। तो इसके अंदर भी वैसे ही वर्क ऑर्डर नंबर, नेम ऑफ द वर्कर, क्लॉक नंबर, है ना, वो लिखा जाता है।
और इसके साथ यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम, कब उसने स्टार्ट किया काम करना, कब फिनिश हुआ, कितने घंटे वो उस डिपार्टमेंट में रहा, है ना। फिर पोस्ट ऑफिस के लिए होता है कि वो किस रेट से उसकी पेमेंट करेंगे और उनका अमाउंट आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो जॉब कार्ड बनाया जाता है। और अगर कोई आइडियल टाइम भी है पर्सन का तो उसका कार्ड अलग बनाया जाता है। उसमें फिर लिखा जाता है कि कंपनी फैक्ट्री के अंदर तो वो रहा लेकिन उसने काम नहीं किया, है ना। तो वेटिंग फॉर वर्क, किस वजह से वेट किया उसने, फॉर वर्क, फॉर जॉब इंस्ट्रक्शंस, मटेरियल का वेट किया, टूल का वेट किया, या पावर फेलियर हो गया, जो भी रीज़न था वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। और कब से कब तक वो टाइम पीरियड आ जाता है, है ना। फिर पोस्ट ऑफिस, क्योंकि ऑब्वियसली पेमेंट तो करनी पड़ेगी चाहे वो आइडियल टाइम बैठा, तो फिर पोस्ट ऑफिस जो है वो इसका रिकॉर्ड रखता है कि उसकी कितनी पेमेंट करनी है। तो ये था हमारा आइडियल टाइम कार्ड। अब देखिए नेक्स्ट आता है कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड, कि कई बार टाइम और जॉब का इकट्ठा भी बना दिया जाता है, कि जो पर्सन वर्क पीस रेट के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग रेमुनरेशन ले रहे हैं उनके टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये है टाइम कम जॉब कार्ड, है ना। इसमें देखो पूरे वीक आ गया, मंडे टू संडे, क्लॉक टाइम कब वो आए कब वो गए, जॉब टाइम जॉब में वो किस टाइम आए किस टाइम गए, ऑर्डिनरी टाइम कितना टाइम उन्होंने काम किया, फिर ओवर टाइम जॉब टाइम। तो ये वर्क भी हो गया इसमें और जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद आता है पीस वर्क कार्ड, कि ओनली काम की अगर आपको रिकॉर्ड करना है कि पीस वेजेस उनको अगर दी जानी है काम के अकॉर्डिंग, तो फिर इस तरह के कार्ड बनाए जाते हैं। और ये इंश्योर करने के लिए कि जो वर्कर्स हैं वो काम को प्रॉपरली रेगुलरली कर रहे हैं, ये जॉब कार्ड बनाया जाता है। वेयर द ओवर हेड्स आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स स्पेंट, कि ओवर हेड की कैलकुलेशन किसके बेस पर होनी है, कि जितने घंटे उन्होंने लगाए। टू असर्टेन वेदर इज़ एडवांटेजियस टू एंगेज मोर लेबर ऑन टाइम, कि उनको अगर मतलब ऐसा लगता है कि और वर्कर लगाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो एसरटेन करने के लिए, या रेट ऑफ पेमेंट जो पेमेंट की जा रही है वो ठीक की जा रही है या नहीं की जा रही, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट की जा रही है या नहीं की जा रही, है ना। एंड बुकिंग ऑफ पीस वर्क टाइम, ये भी ज़रूरी है टू डिटरमाइन हायर स्लैब रेट, कि जो ज़्यादा काम करेगा उनको ज़्यादा पेमेंट की जाएगी, तो उनका रिकॉर्ड रखा जाना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये कि कितना टाइम उन्होंने लिया, यूनिट कितनी प्रोड्यूस हुई, कितनी रिजेक्ट हुई, कितनी पास हुई, और इंस्पेक्टर और वैकेंसी सुपरवाइज़र जिसने चेक किया उसके साइन होंगे, पीस रेट होगा। तो इस तरह से इनका पीस वर्क कार्ड बना दिया जाता है, है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये हमारा सारा क्या चल रहा था, टाइम बुकिंग, है ना। इससे पहले हमने कराया था टाइम कीपिंग, तो आई थिंक टाइम बुकिंग क्लियर हो गई होगी, किस तरह से जो कोस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है ताकि इनकी पेमेंट की जा सके। इसके बाद देखिए छोटे छोटे से टॉपिक और हैं जो छोटे क्वेश्चंस में आ जाते हैं कई बार, कि रिकॉर्ड ऑफ कैजुअल वर्कर्स एंड आउट वर्कर्स, कि कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं। अब नाम से पता चला है कैजुअल, कि आकस्मिक, अचानक जिनको बुला लिया जाता है, तो ये वो वर्कर होते हैं कि जब कंपनी के पास वर्कर्स नहीं होते, कोई अचानक छुट्टी कर जाता है, तो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए इनको अचानक बुला लिया जाता है और उतने ही पेमेंट कर दी जाती है जितने दिन के लिए इनको बुलाया जाता है। तो कैजुअल वर्कर्स आर नॉट रेगुलर वर्कर, ये रेगुलर वर्कर नहीं होते, बट आर अपॉइंटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ डे, एक दिन के लिए भी रखा जा सकता है, जनरली टू रिप्लेस द एब्सेंटीज, कि जितने भी एब्सेंटी होते हैं उनकी जगह पर इसको रखा जाता है, है ना। इनको बदलीज भी कहा जाता है, बदलीज, कि आपने इनको बदला कर दिया इन कॉमन लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको स्पेशल जॉब कार्ड दिए जाते हैं कि आपने ये काम करना है, डिफरेंट कलर के होते हैं इनके लिए, कैजुअल वर्कर्स के लिए, ताकि वो पहचान में आ जाए कि कैजुअल वर्कर हैं। और जो पेमेंट है वो डेबिट कर दी जाती है कंसर्न जॉब को, और इनको साथ के साथ कोशिश की जाती है साथ के साथ पेमेंट की जाए, और अगर इनको रेगुलर ही बुलाया जाता है फिर इनको इकट्ठे पेमेंट भी हो सकती है। तो ये थे हमारे कैजुअल वर्कर्स, आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई वर्कर छुट्टी पर होता है या कंपनी को अचानक सपोज़ कोई ऑर्डर मिल गया, नया ऑर्डर मिल गया वो पूरा करना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कंपनी है वर्कर्स को कुछ टाइम के लिए रख लेती है ना, एक दिन के लिए भी रख लेती है, है ना, ज़्यादा दिन के लिए भी रखा जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट हो जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेकेंड छोटा सा टॉपिक आता है आउट वर्कर्स। आउट वर्कर्स वो वर्कर हैं जो कंपनी में रहकर काम नहीं करते बल्कि बाहर जाकर काम करते हैं, फैक्ट्री के बाहर, मतलब जैसे उनको जो काम करना है वो काम कैंपस में या जो बिल्डिंग है वहाँ रहकर करना पॉसिबल ही नहीं है, उनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उनको हम कहते हैं आउट वर्कर्स, की वर्कर्स तो हैं लेकिन उसके बदले में उनको क्या दिया जाता है, रेमुनरेशन।
तो देखिए आउट वर्कर्स बिलोंग टू द फॉलोइंग टू कैटेगरी. फर्स्ट वन हु परफॉर्म द वर्क अलॉटेड टू देम नॉट इन द फैक्ट्री बट इन देयर ओन हाउस, अपने घर में या कहीं और, है ना, अपने घर में भी कर सकते हैं. और हु एग्जीक्यूट द वर्क एट द रेजिडेंस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के घर पर भी कर सकते हैं. और एट द साइट आउटसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाहर साइट पर भी कर सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिशियन का स्टाफ है या कोई इंजीनियर है, है ना, आपका कोई प्रोडक्ट है वो ख़राब हो गया तो आप अपनी कंपनी से इंजीनियर को भेजोगे, तो वो इंजीनियर उनके घर पर जाकर, कस्टमर के घर पर जाकर भी उसको ठीक कर सकता है. तो यहाँ पर जो वर्कर की अटेंडेंस है वो सेकंड कैटेगरी की होती है एंड शुड बी रिकॉर्डेड एज यूजुअल एट द साइट, कि साइट पर रिकॉर्ड की जाती है, है ना. अगर टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक पॉसिबल है तो वो यूज़ होती है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं होती. कि अगर वो काम हो जाता है तो उसकी अटेंडेंस लग जाती है. नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर वेजेस. तो ऑब्वियसली वेजेस की अकाउंटिंग किस तरह से होती है, किस तरह से कैलकुलेशन होती है, कि एक वेज शीट बनती है, जैसे पीछे आया था डेली वेज शीट बनेगी या वीकली या मंथली, जैसे भी वेज शीट बनेगी उसके बेस पर पे रोल डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, वेजेस डिपार्टमेंट या पे रोल डिपार्टमेंट, वो प्रिपेयर करता है वेज शीट, है ना. उसमें वो पूरा रिकॉर्ड रखता है वर्कर्स की वेजेस का, कि वो कौन सा पर्सन किस दिन कितने बजे आया, कितना ओवर टाइम है, है ना, या आइडियल टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो वेजेस कैलकुलेट करता है. और कैलकुलेट करके फिर वो जो है वो आगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दे देता है, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो उसकी पेमेंट करते हैं. तो ये देखो परफॉर्मा पेरोल या वेज शीट का दिया हुआ है, इसमें इसकी पूरी रिकॉर्ड है. एक तो उसका जो टिकट नंबर है एम्प्लॉय का वो आएगा, नेम ऑफ द वर्कर, ऑर्डनरी टाइम उसने कितना किया, ओवर टाइम कितना किया, ऑर्डनरी टाइम का जो रेट है वो लिख दिया जाएगा, ओवर टाइम का जो रेट है वो लिख दिया जाएगा. फिर यहाँ पर वेजेस आ जाते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कितनी वेजेस उसको मिली, पीस काम के अकॉर्डिंग कितनी मिली, वर्क वेजेस कितनी है, बोनस कितना है, अलाउंस अगर मिल रहा है वो कितना है, है ना, लीव पे, हॉलीडे पे, ग्रोस वेजेस. तो ये इसकी सैलरी स्टेटमेंट है एक तरह की. प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस, ये डिडक्शंस अगर कुछ होती हैं तो यहाँ से माइनस कर दी जाती है. और फिर लास्ट में आ जाती है नेट वेजेस. तो इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट बना दी जाती है और उनको पेमेंट कर दी जाती है. आप देखिए नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक एक और है, आइडियल टाइम, सुस्त समय. आइडियल टाइम वो टाइम है जिस टाइम में वो कंपनी के अंदर तो रहा वर्कर लेकिन काम नहीं किया, रीज़न कुछ भी हो कि मटेरियल वाज नॉट अवेलेबल, मशीन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, है ना, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो काम करना चाहता था लेकिन वो काम नहीं कर पाया. आप देखिए ये कुछ रीज़न्स दिए हुए हैं कि आइडियल टाइम क्यों हो जाता है. सबसे पहला लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, कि जो प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है रिगार्डिंग वर्कर्स, वो अगर सही ढंग से नहीं हो पाई, है ना, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनको खाली बैठना पड़ा. रीज़न कुछ भी हो सकता है, मटेरियल वाज नॉट अवेलेबल एट द राइट टाइम, जब उनको चाहिए तब नहीं मिला, है ना, या मशीन ख़राब हो गई या कुछ भी ढंग से नहीं चला, मशीन नहीं चली या ऑयल नहीं था, है ना, उसके अंदर जो मटेरियल डालना होता है रॉ मटेरियल वो नहीं था, तो कुछ भी जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर था या फिनिश हो गया जिसकी वजह से आइडियल टाइम हो जाता है, तो वे कैसे प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी. सेकंड, केयरलेसनेस इन सुपरविज़न, कि सुपरविज़न में लापरवाही हो जाती है, है ना, वो सीरियसली नहीं लेते जो फोरमैन हैं, सुपरवाइजर्स हैं, अगर वो स्ट्रिक्टली नहीं रखते एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को तो वर्कर्स भी जो है वो लापरवाह हो जाते हैं और वो भी काम नहीं करते. एक कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, अगर लेबर और मैनेजमेंट में किसी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो फिर डिस्कशन में ही टाइम ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से भी काम नहीं हो पाता. इकोनॉमिक फैक्टर, कि ट्रेड डिप्रेशन आ जाता है या कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, है ना, कि प्रोडक्शन को कम करने से रिलेटेड, तो इसकी वजह से भी जो लेबर है वो क्या हो जाती है, इनफेक्टिव हो जाती है और उसकी एफिशिएंसी को वो पूरा यूज़ नहीं कर पाती. इसके अलावा बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, मशीन ख़राब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है कोई, है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से टाइम लॉस्ट हो जाता है और टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में डिफरेंस आ जाता है, है ना. तो ये हमारा क्या था, आइडियल टाइम. आप देखिए नेक्स्ट हमारा आता है ओवर टाइम. जैसे हम पढ़ रहे थे व्हाट इज़ ओवर टाइम, ओवर टाइम क्या होता है, तो देखिए ओवर टाइम है कि जब जो एम्प्लॉई है जितना टाइम उसको दिया गया है, जैसे 8 आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, जितने घंटे वो काम करते हैं, लेकिन अगर उसमें काम नहीं हो पाता, है ना, तो वो अपने टाइम से ज़्यादा जब काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवर टाइम. तो द टाइम वर्कड ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल आवर्स, कि नॉर्मल घंटों से ज़्यादा जो काम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवर टाइम.
और जो रेमुनरेशन पे किया जाता है जनरली वो ओवर टाइम के लिए ज़्यादा होता है नॉर्मल रेट से। अब देखो ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है, कई बार डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, है ना, कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वर्कर्स को रोकना पड़ता है। कई बार वर्कर्स की शॉर्टेज होती है कि वर्कर्स जो है वो मतलब अवेलेबल नहीं होते, तो उसकी वजह से भी ओवर टाइम वर्कर्स से कराना पड़ता है। कई बार जो प्रोडक्ट होता है जैसे रॉ मटेरियल है वो पेरिशेबल है, नष्ट होने वाला है, कि अगर आपने अभी उसको यूज़ नहीं किया तो वो ख़राब हो जाएगा, है ना। और एग्जीक्यूशन ऑफ अर्जेंट ऑर्डर, कि कई बार कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनको अर्जेंट पूरा करना होता है, तो उस सिचुएशन में भी वर्कर्स को रोकना पड़ता है। या इक्विपमेंट, जैसे मशीन आपको आज आज के मिली है, आज आज में ही आपको उसको यूज़ करना है, तो फिर आप वर्कर्स से क्या कराते हैं, ओवर टाइम कराते हैं। या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता वर्कर्स के ऊपर, है ना, तो उसकी वजह से भी वर्कर्स जो है वो नॉर्मल आवर्स में उतना काम नहीं कर पाते और उनको रोकना पड़ता है। आप देखिए इसमें कमियां क्या हैं, कि वर्कर्स की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वर्कर्स से आप ज़्यादा काम लेंगे तो वो बीमार भी पड़ेंगे, उनकी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा, है ना, और वो थक जाएंगे तो फिर अगले दिन वो उतना काम नहीं कर पाएंगे, और आउटपुट की क्वालिटी भी डाउन होती है, क्योंकि वो क्विकली फास्ट काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, है ना। तो ये हमारा था कि ओवर टाइम, ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में 2-2 मार्क्स में आ सकती हैं, इसको पढ़ना, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया।